हमारी नारायण से सिकरडू का ट्रिप फाइनली स्टार्ट हो गया। तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय कर लेंगे इस ट्रिप में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। हमने कल नारायण से निकल के सिकरडू तक आ गया, तो नारायण से सिकरडू आने तक तो हमारी टोटल 7 और 8 घंटे गुजर गई। उसमें मैं आप लोगों का एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आपने सिकरडू में आना होगी ना, ज़रूर डे टाइम पर जाए, नाइट में ना जाए, क्योंकि इतना अच्छा पॉइंट्स था ना, हमने उनको सारी गुजर लिया, सही से नहीं देखा। इसलिए इंशाल्लाह इधर दोबारा सिकरडू से वापस होने मैंने ज़रूर डे टाइम पे जाना है, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है। हम अभी सिकरडू में हैं, इनका ओपनिंग इधर होगा, सर सुनील माजवी दे रहे, इसके साथ भी हमारी इंशाल्लाह एक वीडियो आएगा ऑल ओवर। तो मुझे सिकरडू बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली एक चार तरफों में माउंटेन और इसके बीच में एक शहर, बहुत अच्छा है। हमने डिस्कवर कर लेंगे सिकरडू, हमने सिकरडू की खाने से स्टार्ट करके कल्चर और स्पेशली द टूरिस्टिक एरियाज। इतनी रास्ता में था ना हम, अभी इतनी अच्छी जगह से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ भी हमारी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती हैं, ऐसे थोड़े मैच देखने के लिए आया, अगर वो लोग इजाज़त देगा शायद मैं भी खेलूँगी। वाह, उसने 6 मारा, छक्का, छक्का हो गया, चुक्का हो गया, क्या कर रहे, छक्का होती है ना। ये नजर आते ना, इसने मुझे बॉल फेंका था, इधर आए इधर आए। आपने अच्छा बॉलिंग किया। अच्छा, अभी हम रास्ते से निकलते हैं, मैंने गरी साफ कर दी, लेकिन मैं मेरे पूरी कपड़े खराब कर दिया, ये देख नजर नहीं आ रही, मेरी पूरी शूज खराब हो गया, लेकिन हमारी गरी साफ हो गया। मेरी ट्रिप बहुत अच्छा चलती है। अभी हमने बबूसर के रास्ते में इधर लुलुसर लेक आया, बहुत ठंड है, अभी हम तो जाएंगे बबूसर टॉप, लेकिन बबूसर टॉप भी इसमें भी ज्यादा ठंडा होगा। वाह, हम अभी पहुंच गया बबूसर टॉप, बहुत ही मज़े का जगह है। इधर नारायण 70, इस्लामाबाद 326, कबूल 804, क्वेटा, चिलास, गिलगित, खुंजरा, कश्कर, तशकंद, पाइजिंग, ये सब जगह का वो है, ऐसे माइलस्टोन है। अभी तो आई थिंक इधर बर्फ़ पड़ गई है, ये आपको अपोजिट से तो नज़र आए होगी, बर्फ़ पड़ गई है लेकिन मेल्ट भी हुई है, ये देख मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आई ठंड तो बहुत है, ये देख,
ये तो इधर तो बर्फ पड़ गई है भाई, इधर तो फ्राइज बना रही है। फ्राइज है भाई? जी फ्राइज जी, फ्राइज फ्राइज। ये 200 के प्लेट है भाई जी। 200 के पकौड़े कितने का है? 200 के। ऐसे कर दो, एक फ्राइज बना दे, एक पकौड़े का प्लेट बना दे। ठीक है। यार ये फ्राइज के तैसे ना बहुत मजा का है। अंकल इस फ्राइज के अंदर क्या है, आपने क्या डाल दिया? आप लोगों ने इधर से बर्फ पड़ी होगा, आप लोग भी निकलेंगे इधर से? जी 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 जी, चला जाते हैं। अच्छा अभी तक कब तक निकलना है जी? आप लोगों ने कब निकलना है इधर से? इधर 3-4 फुट बर्फ पड़ गया फिर जाते हैं। अच्छा अभी हम इधर से निकल के जाएंगे चिलास पे। इधर ऑक्सीजन की बहुत कमी है और इसलिए सांस नहीं आता। कितना हमने ऊपर आया ना, इतना ही अभी हम नीचे चले जाएंगे। ये जगह मुझे सैफल मुल्क से थोड़ी सी और अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक इधर सारी शॉप्स और अभी भी इधर लोग ज़्यादा आते हैं, और ये सब पहाड़ों में भी तो बर्फबारी तो आई है। पाकिस्तान इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी मेंटेनेंस होगा और इधर रास्ता ठीक होगा, बिलीव मी। देखें पाकिस्तान बस पैसे कमाएगा टूरिज्म से। मैं इधर लिखती हूँ बबूसार टॉप से हमने निकला, अभी चिलास के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये रास्ता दिखाना चाहती हूँ। ये देख, ये ऐसे यू 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 रास्ता आ रही है। आई डोंट नो कैमरे में नज़र आते या नहीं, बट अभी इधर स्नोफॉल हो रही है, नज़र नहीं आ रही है। ये देख, थोड़ी बहुत इधर स्नोफॉल होना स्टार्ट किया है। और अरे ये सारी पहाड़ तो बर्फ भरी है, बट इधर भी थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो गया। अभी हमने इधर ड्रोन उड़ा के चिलास से स्कर्ट इसको दो ले लो। इसको हाँ दो ले लो, एक आपके लिए और एक अपने लिए मुझे चाहिए। हाँ ये कितना जीबी नेट है इसमें? इसमें 1 GB डाटा फ्री है, जो जोन का वहाँ पे भी चलेगा, 4G चलता है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, उसके अलावा 500 रुपए का इसमें बैलेंस करा लेते हैं फिर। हाँ ऐसा करते हैं। ठीक है, ये पीटीए से बड़ा फोन अगर किसी के पास है, आईफोन वगैरह, इसमें भी चल जाएगी। और लाहौर में अगर करना हो पूरा पाकिस्तान में चल जाएगी वो तो ठीक है। इसका बैलेंस कैसे होता है? इसका अल्फा ऐप से मिल जाता है, अल्फा ऐप से मिल जाता है, बेस्ट होगा। और एक और चीज़ बताती हूँ, बबूसर टॉप से ये चिलास का शहर है ना बस 40 किलोमीटर दूर है, एंड चिलास इतना गर्मी है, बबूसर टॉप इतना ठंडा। ये है सारी ज़्यादातर बहिर वो अंकल्स होती है शॉप की बहिर, आई थिंक इसके अंदर इनकी घर और विलेज वगैरह आती है, क्योंकि एक लाइन में तो बस दुकानों वगैरह आती है। हमें आई थिंक बनाना भी लेना है। कितना एक दर्जन? 120। एक दर्जन 120 जाती है सरासर हमारा साथ। ये कैसे हो सकता है? नहीं आपने फॉरेनर्स देख के ज्यादा बोल दिया। 100 रुपए का हम खुद ले। अच्छा फिर दे दे एक दर्जन। हाँ नहीं मैं ये कह रही हूँ, इट मीन्स 120 तो नॉर्मल प्राइस बताया है उसने। फिर लाहौर में क्यों 68? ठीक है वो लोग आधा दर्जन का प्राइस लिखा है। नहीं नहीं वो महंगे देते हैं, दो बकाया पैसे दे दो। ले लो बकाया पैसे। बाकी कहाँ है? बाकी मैंने खाया। आई अभी हम स्कार्डो के रास्ते में था, इधर खाना खाने के लिए रुका। ये हमारी जगह है नंगा पर्वत व्यू की जगह। ये एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे ऑपोजिट है नंगा पर्वत, लेकिन लेट नाइट है और व्यू नज़र नहीं आती है। दुनिया में 9th पाकिस्तान में 2nd हाईएस्ट माउंटेन है, उसका दूसरा नाम भी है किलर माउंटेन। इधर मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ा, 13 जुलाई 1989 में कॉलोनल शेन
शेर खान ने, ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी, उसने सक्सेसफुली ये नंगा पर्वत की ऊपर गई। अभी हम होटल से निकला, ये मैं अभी स्काडू बाजार के अंदर हूँ। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे होटल इधर एक मेन बाज़ार में। अभी हम इधर से नाश्ता करके उसके बाद हमारा तो पहले स्टॉप होगा सरफरंगा रैली। सरफरंगा रैली के बाद हमने इधर से जाएंगे नाश्ता करने के लिए। ये मेरे पीछे कौन है? गोबीस का सीईओ उमर आसिफ मालिक। यार मैं बस यही बताना चाहती हूँ, हमने पूरी नॉर्दर्न एरियाज इधर आने तक ना गोपीस ने इतना अच्छा लाइक एडवर्टाइजमेंट किया है ना, सारी जगह के गोबीस की वो मिला मुझे, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिला। अभी हमारी गाड़ी रेडी है, हम इधर से जाएंगे सरफरंगा रैली में। इधर तो इतना रश था, मैंने कहा यार इधर क्या हो रही है, हमारी गाड़ी में ऐसे वो ट्रैफिक में फंस गया। फुटबॉल मैच अभी स्टार्ट नहीं हुए, जब स्टार्ट होगा मैं इधर दोबारा आती हूँ, क्योंकि तुर्की में हम ज़्यादातर मैच देखते हैं, फुटबॉल का क्रिकेट का हमारी नहीं है। आई थिंक स्कडू में भी मैंने अभी तक कोई क्रिकेट नहीं देखा, लोग ऐसे फुटबॉल मैच, ये सारी छत वगैरह उन्होंने गई है ऐसे फुटबॉल मैच देख रही है। सरीना है काम, तमाम स्पॉन्सर अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो उनकी काविशों के बगैर इतना बड़ा इवेंट जो पॉसिबल नहीं हो सकता। और ये एक पौधा है जो हम लोगों ने लगाया है जो कि अब 4 साल का हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इसको लेकर चले, और जीबी गवर्नमेंट को और जीबी जो खासतौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट है मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने आप लोगों के लिए इस गुलदस्ते को इकट्ठा किया है, जिस इवेंट के अंदर ना सिर्फ जीप्स हैं ना बाइक्स हैं बल्कि लोकल इवेंट्स का भी एक पूरा जो है ना एक स्केड्यूल है जो कि आप लोग उसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम सरफरंगा रैली की ओपनिंग में मेरे साथ है सुनील मंच। हम स्काटू में आज हमारी ओपनिंग का बहुत अच्छा ओपन था, बड़ा बेहतरीन इवेंट है, आई होप कि आपको सब पसंद आया होगा। तमाम वाजिद सलमानों का खास तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो यहां पे स्थित रहे। मैं तो पहली दफा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा रास्ता बहुत खराब था, अच्छी रास्ते से आया, बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत रास्ता मेरे पास लगा पाकिस्तान की सरहद की दुआ के साथ कहेंगे आपने नई दिल्ली के पास पर उतरे और कल का आपको मिलकर जीत के सवाल न हो अभी हम रैली की स्टार्टिंग के लिए आई थी इधर, वो खत्म हो गया। ये ऑपोजिट नजर आती है ना, कल्चरल नाइट शो होने वाली है। अभी हम नाश्ते करने के लिए जाएंगी, फिर वापस इधर रात को कल्चरल शो देखने के लिए आना है। हमने होटल में जाने लगी थी, लेकिन इधर क्या हुई थी, इल्तिजाज। हाँ इधर इल्तिजाज हुई है और सारी रास्ता बंद है। हमको इतनी ही भूख लगा है ना, अभी बाजार के अंदर जाके खाना के लिए कुछ देख लेती हैं। ये है स्काडू का जेल प्रिजन्स, ये माउंटेन के अंदर खूबसूरत एक शहर है। अभी मैं पूछती हूँ रास्ता क्यों बंद है, शायद इधर फुटबॉल की मैच भी हो रही थी ना, इसकी वजह से भी हो सकता। भाई रास्ता बंद है, नहीं आगे कोई एहतजाज चल रहा है। एहतजाज किस चीज का? वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज। अच्छा, यूनिवर्सिटी की कोई खिलाफ की कोई एक एहतजाज है इसलिए रास्ता बंद है। अच्छा स्टूडेंट्स इधर बैठती है, स्टूडेंट्स बैठे हैं फॉर टेस्ट है। अच्छा तुर्कियान है, तुर्कियान है ना? हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी, कब आए आप? हमने इधर इधर कल रात को हमने पहुंचा था। जबरदस्त भाई, इधर हमको अच्छा वो लोकल खाना कहाँ से मिलेगा? अब गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है।
इस तरह करें ना, पीछे पीछे से निकल जाए ना, थोड़ा सा आगे जाए तो करीब है, आगे में मिलेगा। ठीक है, चलो तो चल के खाना खाते हैं यार, आ जाओ। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लोग काम को हेल्प कर रही है क्योंकि इधर से वापस भी जाना, इधर भी रास्ता बंद हो गया। अगर ये भाई निकलेगा, हम घर इधर से निकल के जाएंगे, बाद इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। अभी दोनों रास्ता बंद है। हमारे तो काफ़ी ज़्यादा वो प्लान्स था इधर उधर जाना, हमारे कपड़े दूसरे होटल में रह गई, कौन से होटल में जाना है उसकी रास्ता बंद है, इधर की पूरी रास्ता बंद है। लोग निकालने का हेल्प कर रही है। अभी तो फिलहाल हम कर दो कि वो मेन बाज़ार में फंस गया। ऐसे अंकल ने हमको बहुत ही हेल्प किया यार, उसको बहुत शुक्रिया कहती हूँ, बहुत शुक्रिया जनाब जी। हम निकले इसी इधर से सीधे जाके। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को पूरी सीन बताती हूँ। हमने होटल चेंज करना था, उधर जाके हमारे लगेज लेना था, लेकिन उधर वो इल्तिजा हुई थी इसलिए रास्ता बंद था। हमने हिमालय होटल आ गए, इधर खाना खा के स्कर्डो एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। ऐसे नीचे भी है सुनील मंच, वो भी इस होटल में रहती है हमारे साथ। अभी हम इधर के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। मैंने सोचा वो थोड़ी सी बाहर लोकल कर लेती है। भाई रेस्टोरेंट कहाँ पे है? उधर है। हमने सोचा वो थोड़ी सी लोकल कर लेती हैं, लेकिन नहीं हो गया, रास्ता बंद था। चलो खैर, हमारे पास स्कर्डो में 3 दिन और है। अभी रेस्टोरेंट में आके खाना खा के निकलेंगे। ओह माय गॉड यार, रेस्टोरेंट की व्यू चेक करें, कॉफ़ी भी मिलेगा, बहुत खुश हूँ। यह है होटल के रेस्टोरेंट, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी खाना जितनी बुरी भी हो ना, जिसकी वजह से इतना टेस्टी है ना, सोच नहीं। ये हमारी ड्रम स्टिक्स है, थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन उन्होंने गरम गरम लेके आई है। ये चौमेन है, ये भी गरम गरम बिरयानी तो मैंने नहीं खाना सुबह से। रास्ते में मैंने कहा बिरयानी बिरयानी बिरयानी, जब मैंने इधर आया तो मेरी आदत चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो चाइनीज खा ली। खा ले, हम खाना खा लेते, बाद में मिलती है, बाय बाय। हमने हमारी खाना खाया, अभी चाय पीने के लिए दोस्तों के साथ इधर आया। मैं मेरी चाय मेरी फेवरेट कप में पीऊँगी। हमने थोड़ी सी जल्दी जाके सोना है, रेस्ट लेना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के रेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसको देखना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह रेस की बात हमने पूरी सी कर डिस्कवर कर लेंगे। अभी तो हमको इजाज़त है, हम जा रही है, खुदा हाफिज़।